तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि ओप्पो A3s जो मॉडल है उस पर आप मतलब आप यहाँ पर उसका पैटर्न भूल गए हैं, इसको अनलॉक करना है, इसको कैसे करेंगे। मतलब बहुत सारे आप YouTube पे वीडियो देख लिए होंगे लेकिन किसी ने उसका सही मेथड नहीं बताया, और वो मैं आपको बता दूँ वो मतलब उस मोबाइल से नहीं होगा, मतलब उसको करना होगा किसी कंप्यूटर से और दूसरे मोबाइल से। तो कंप्यूटर वाला ट्रिक भी आपको देख लिया होगा, आप दुकान से करने जाते हैं, किसी को आता है किसी को नहीं आता है, तो सबको तो नहीं आता होगा। लेकिन मोबाइल से मैं आपको एक ट्रिक दिखा दूंगा, अगर आपके दोस्त का कोई मोबाइल है या अपना खुद का कोई मोबाइल है, घर का कोई मोबाइल है, किसी भी मोबाइल से आप इसको कर सकेंगे। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा और एक छोटा सा इंफॉर्मेशन होना होगा उस मोबाइल के रिलेटेड, मतलब एकदम लीगल है या पर कोई भी हैकिंग वैकिंग नहीं है एकदम, मतलब आपको उस मोबाइल का एक इंफॉर्मेशन पता करना होगा और इसके बाद ही आप दूसरे मोबाइल से इसको ओपन करेंगे। और ये जो एप्लीकेशन है और ये भी एप्लीकेशन भी गूगल का है, मतलब गूगल का एकदम लीगल एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप इसको कर पाएंगे। चलिए उस गूगल का कौन सा एप्लीकेशन है, किसकी मदद से आप इसको अनलॉक कर पाएंगे, पूरा का पूरा इस वीडियो में आप देखेंगे। तो सबसे पहले दूसरे वीडियो को देखने बंद कर दीजिए क्योंकि उसमें आपको फेक गलत चीज़ बताई जाती है और उस एप्लीकेशन को मतलब कोई भी नहीं बताता क्योंकि उसके बारे में उसको इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर जानकारी है भी तो दूसरे बारे में ये काम आता है, इस बारे में मतलब कम ही काम आता है। तो मतलब इस एप्लीकेशन को दूसरे चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है ना कि लॉक खोलने के लिए, तो इससे लॉक खोला जा सकता है। अगर आपको उसी एप्लीकेशन मतलब उस मोबाइल का कुछ इन्फॉर्मेशन है तो इससे आप किसी भी मोबाइल का लॉक खोल सकते हैं, मतलब कोई भी। मैंने इस बारे में इतने दिन वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरे पास वो वाला मॉडल नहीं है, फिर भी मैंने सोचा चलो मॉडल नहीं है तो क्या हुआ बता देते हैं। इसके वीडियो में मैं आपको पूरा पूरा डिटेल्स दिखा दूंगा, अपने मोबाइल स्क्रीन पर करके आपको बता दूंगा कि आपको इसको कैसे खोलना है। तो चलिए वीडियो में आपको पूरा का पूरा दिखा देते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए क्योंकि ऐसा ट्रिक आपको कोई भी नहीं बताएगा। और अगर आप इसको मोबाइल को अनलॉक कर पाते तो नीचे ज़रूर एक कमेंट करना, हाँ आपने अनलॉक किया, नहीं तो मुझे अपर खामियां रह जाएगी कि क्या लोगों ने अनलॉक किया या नहीं किया। तो ज़रूर एक नीचे कमेंट कर देना और वीडियो को चलिए देखते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपका जिस मोबाइल का लॉक खोलना है इसी मोबाइल का एक यहाँ पर जो डाटा कनेक्शन मतलब इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। तो आप कैसे इसमें इंटरनेट कनेक्शन लगा सकते हैं, तो इस पर आप यहाँ पर नया सिम लगा के कर सकते हैं जिसमें इंटरनेट हो, और एक और तरीका इसमें आप वाईफाई कर सकते हैं, मतलब बिना लॉक खोले आप इसका वाईफाई जो यहाँ पर ऑन कर दे और दूसरे मोबाइल पर उसका हॉटस्पॉट ऑन कर दे और उसका पासवर्ड नहीं होना चाहिए, पासवर्ड नहीं होना है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाना है। कनेक्ट हो जाने के बाद इससे मतलब इंटरनेट से कनेक्ट करके आप इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देने का आपका जो दोस्त का मोबाइल है या किसी का मोबाइल उसके मोबाइल पर आने के बाद आपको ऊपर प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद जो एक एप्लीकेशन है गूगल का जिसकी मदद से मतलब इसको एप्लीकेशन को गूगल ने प्रोवाइड किया मतलब अपने मोबाइल को सिक्योर रखने के लिए, मतलब अगर मोबाइल कोई खो जाता है तो उसका मतलब पूरा डाटा क्लियर करने के लिए, उसका जितने भी वीडियो है लॉक है सारा हटाने के लिए इस एप्लीकेशन को आपको ऐसे इंस्टॉल करना है, वीडियो को हटाने के लिए और मोबाइल को सिक्योर रखने के लिए, और मतलब मोबाइल का जब कोई दुरुपयोग ना कर पाए इसके लिए, मतलब चाहे वो व्यक्ति मोबाइल खो ही देना क्यों, मतलब उसमें सारा का सारा कुछ हट जाएगा तो यहाँ पर एकदम क्लियर हो जाएगा, ना रहेगा लॉक ना रहेगी इसके अंदर। इसको ओपन करने के बाद आपका कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो इसके बाद नीचे पर एक और ऑप्शन आपको दिख रहा होगा साइनिंग एज गेस्ट, जिसके बाद आपको उसी मोबाइल का एक इन्फॉर्मेशन जो मैंने बोला था सबसे पहले उस मोबाइल का आपको यहाँ पर जो ईमेल आईडी मतलब उस मोबाइल में जितनी भी ईमेल आईडी है उसमें से किसी एक ईमेल आईडी का मतलब एक हो या दस कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी एक ईमेल आईडी का आपको यहाँ पर सीधा एंटर करना है इस ईमेल आईडी को, मतलब उस मोबाइल पे जो भी ईमेल आईडी लॉगिन है आप यहाँ पर गलत नहीं कर सकते, आप यहाँ पर एकदम सिक्योर तरीके से आप उसी मोबाइल का ही ईमेल आईडी देना होगा, वरना आपको यहाँ पर कोई वर्क नहीं करेगा और उस मोबाइल को आप अनलॉक नहीं कर पाएंगे और इसको आपको दुकान में जाने या पर किसी स्टोर में जाके करना पड़ेगा, जाके आपको बहुत पैसे चार्ज करेंगे। तो इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसका जो सिंपल यहाँ पर पासवर्ड आपको टाइप करना है, तो मैं भी यहाँ पर अपना पासवर्ड टाइप कर सकता हूँ, तो मैं इसको दूर हाइड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पर पासवर्ड को टाइप करने के बाद आप यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें, सिंपली नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते ही आपके ऊपर थोड़ा लोडिंग लेगा, बस 2-3 सेकंड का लोडिंग लेने के बाद आपके पास एक पेज है, तो आप इसको एलो और डेनाई कुछ भी कर सकते हैं आपकी मर्ज़ी। इसके बाद जिस भी मोबाइल पे वो लॉगिन हो जाएगा, मतलब मेरे पास वो वाला मोबाइल नहीं है
तो उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और मोबाइल का सिंबल आ जाएगा। इसके बाद एकदम नीचे वाला ऑप्शन सिक्योर डिवाइस, मतलब गूगल कह रहा है उस मोबाइल को सिक्योर कीजिए। सिक्योर मतलब उसमें मतलब एयर इज डिवाइस लिखा रहा है, आप देख सकते हैं मतलब उस डिवाइस में जितने भी डाटा है पूरा क्लीन हो जाएगा, एकदम यहाँ पर एकदम क्लीन हो जाएगा इसके मदद से, ना रहेगी लॉक ना कुछ अंदर, मतलब एकदम नया वाला मोबाइल हो जाएगा इसके मदद से। आपके मोबाइल में जितने भी लॉक है कुछ भी अपन नहीं रहेगा, ना इसमें वीडियो रहेगी ना, मतलब एकदम फ्री जैसे नया मोबाइल खरीदे इसके जैसा हो जाएगा। तो इसको गूगल इसीलिए प्रोवाइड करते ताकि लोग इसके मदद से एक बार अपने मोबाइल को सेव कर पाए। लेकिन अगर जब इसका पासवर्ड भी भूल जाते तो अब आप किसी भी मोबाइल पर इसको ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर इसको आप ट्राई करना चाहते तो यहाँ पर प्ले साउंड का एक ऑप्शन है, आप चाहे तो इस पर क्लिक करके उसी मोबाइल को यहाँ पर साउंड पे बजा सकते हैं और इसके बाद सिक्योर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसके मदद से यहाँ पर लॉक खोल पाते तो ज़रूर नीचे कमेंट करना और वीडियो को एक लाइक करना। तो थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय।